पीठ पर बस्ता लेकर स्कूल जाता है, भारी बस्ता भी है, इसके बावजूद इसका हौसला ऐसा है कि स्कूल चल जाता है। ये पैर आपका लगवा दिया जाएगा, पैर लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, ट्राई साइकिल चला लीजिएगा, सीख लीजिएगा तो चला लीजिएगा ना, इस हाथ से पकड़ लेते हैं, पकड़िए तो इसको कस के पकड़िए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से 1 किलोमीटर तक स्कूल ये बच्चा जाता है और एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग है, इसके बावजूद हौसला ऐसा है कि 1 किलोमीटर तक स्कूल चला जाता है, पीठ पर बस्ता लेकर स्कूल जाता है, भारी बस्ता भी है, इसके बावजूद इसका हौसला ऐसा है कि स्कूल चल जाता है, ये खबर हमने दिखाई थी। जिसके बाद अब जिला प्रशासन की टीम आई है और जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ बच्चे से बात कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों से बातचीत किया जा रहा है और कई अधिकारी जिला प्रशासन की ओर से पहुँचे हैं, बच्चे की मदद को लेकर पहुँचे हैं। वहीं DDC ने भी इसका आश्वासन दिया है। क्या सर, क्या मदद हम बच्चे की मिलेगी? क्या दिव्यांग लोगों को, पहले तो आप लोग को धन्यवाद, आप लोग के माध्यम से ये हमारी जो ड्यूटी है उसका हमें पता चला कि एक लोग छूट रहे हैं, तो हम DDC सर ने हमें आदेशित किया कि आप जाइए वहाँ और जो भी दिव्यांग लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं उसका, इनको कोई अगर वांछित है तो इनको दिलवाया जाए। तो हमें पता चला इनके दादाजी लेप्रेसी इंड्यूस्ड डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, तो इनको 2 तरह का पेंशन पहले से मिल रहा था, लेकिन उनका प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण बाधित हो गया था और बच्चों का भी यही था। उनका प्रमाणीकरण करवा दिया गया है, पेंशन अब रेगुलराइज हो जाएगा और इन बच्चे चूँकि 14 साल के हो गए हैं तो इनको सरकार के स्तर से सहायक उपकरण के रूप में ट्राई साइकिल, जिसको तिपहिया कहते हैं, वो दिया जाएगा और इनको कृत्रिम पैर लगवाने का हम लोगों ने किवायत शुरू कर दिया है। हमारे DDC सर ने लिम्को से बात किया है, अभी हम लोग को ये देखना है कि इन बच्चे को यहीं लग जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कानपुर तो कभी भी लगा देगी कानपुर ले जाने के बाद, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो यहीं लग जाए। कब तक लग जाएगा सर, उम्मीद है? हम लोग ये कंफर्म कर देते हैं, चूँकि अलिम्को से हम लोग अपने स्तर से नहीं लगाते हैं, अलिम्को से हम लोग कोशिश बहुत जल्दी करेंगे, 7 से 10 दिन में इनको लग जाए, लेकिन अलिम्को के ऊपर डिपेंड करता है, चूँकि इनका मेजर ट्राई साइकिल जल्दी मिल जाएगा। हम लोग आदेश ले लेते हैं, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है लाभ देने के लिए, उसका वो हम करवा के तुरंत निश्चित रूप से। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि मुजफ्फरपुर ज़िले में एक दिव्यांग बच्चा है जो काफ़ी समस्या के साथ स्कूल जा पा रहा है, जिसके दादाजी भी दिव्यांग हैं। तत्काल हमने उसके परिजनों से संपर्क स्थापित किया है और उसके दादाजी और बच्चे दोनों को ऑलरेडी दिव्यांगता पेंशन मिल रही है। उसके अतिरिक्त जो उनकी सहायता के लिए हमने जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं दिव्यांगता सशक्तिकरण के, उनके नेतृत्व में एक टीम को उसके घर भेजा हुआ है, वो लोग इस समय वहीं पर हैं और उनसे संपर्क स्थापित किए हुए हैं। उस बच्चे के चूंकि हाथ और पैर दोनों में दिव्यांगता है, इसलिए वो लोग ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या उसको ट्राई साइकिल के माध्यम से उसको स्कूल जाने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर हाथ में ज़्यादा दिक्कत होगी तो ट्राई साइकिल की अपेक्षा उसको आर्टिफिशियल लिम्ब, जो प्रोस्थेटिक लेग होता है, वो लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हम लोगों ने अलिम्को कानपुर से संपर्क स्थापित कर लिया है और उनसे समन्वय स्थापित करके, चूंकि अलिम्को ही अग्रणी संस्था है जो ऐसे प्रोस्थेटिक लिम्ब्स बनाती है, तो हम लोगों ने अलिम्को के संपर्क में हैं और जल्दी ही जो भी उसको आवश्यकता है, चाहे प्रोस्थेटिक लिम्ब की या ट्राई साइकिल की, जो भी आवश्यकता है वो उसको तत्काल उसको पूरी की जाएगी। हाँ, मिलेंगी वहीं बच्चे के दादा हैं। क्या मदद मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मदद तो मिलेगा, अब सर आदेश दिए हैं तो हमको भी विश्वास हुआ है जी मिलेगा। खुश हैं जी? खुश तो जरूर है। पेंशन भी मिलेगा आपको? हाँ, तो पेंशन तो मिलेगा। मिलेगा ना जी? खुश है ना अब? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो क्या बोले हैं आदित्य? क्या बोले हैं? पैर लगने के लिए बोले हैं? हाँ। क्या बोले हैं? बोले पैर लगवा देने। लग जाएगा पैर? यस। अब तब फिर स्कूल जाओगे अच्छे से? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं। खुश हो ना अब? हाँ। स्माइल करके दिखाओ तो। देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पहल है मीडिया का भी और जिला प्रशासन का भी, दिव्यांग परिवार को चिन्हित करके और सभी सुविधाओं को देने का जो यह कदम उठाया गया है, इसके लिए मीडिया को भी और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद, आभार। क्या
जी नमस्कार, ये लाइव सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब तो पूरे बिहार में इस तरह के पहल चलाए हुए हैं और हर प्रखंड स्तरीय समूह बना करके ऐसे श्रेणी के बच्चों को या गार्जियंस को या किसी भी तरह के दिव्यांगता श्रेणी को लोगों को खोज करके और उनको लाभ दिलवाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या मदद हो रही है? हम तो सर के साथ हैं और उसी ऑफिस से हैं, तो हम चाहेंगे कि बच्चे को जल्दी से जल्दी ट्राईसाइकिल मिल जाए। और रहा पैर लगाने की, कृत्रिम पैर लगाने की बात, तो सर बोले हैं कि बहुत जल्दी ही उसका निपटारा कर देंगे। उनकी माँ से भी बात करेंगे, माँ ने मदद की गुहार लगाई थी। क्या आए हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग आए हैं। क्या बोले हैं? बोले हैं कि लग जाएगा पैर, लग जाएगा पैर, व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था हो जाएगा जी, कोई पेंशन मिल जाएगा। अब दिक्कत कोई? अब कोई दिक्कत नहीं। कितनी खुशी है, अब बच्चा अब दोनों पैर से जाएगा। बहुत खुशी है। काफ़ी दिक्कत होती होगी पहले तो? पहले काफ़ी दिक्कत था, अब खुशी है कि मिल जाएगा पैर। तो परिवार वालों के साथ स्थानीय लोगों में भी खुशी है, क्योंकि बेचारा एक पैर से जाता था लेकिन अब दोनों पैर के सहारे जाएगा। और जिला प्रशासन ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है, बातचीत चल रही है, जल्द इसको मदद मिलेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।